सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सर बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। मैं अजय बेनीवाल आज फिर आप लोगों के सामने सीरीज का पार्ट टू लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट से कनेक्टेड, मतलब रूट से कनेक्टेड जो सीरीज होती हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो देखो, हमारे पास इस तरह के अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, लाइक मैं एक सीरीज बनाकर लिखता हूं अंडर द रूट एंड देन रूट, और यही चीज माइनस में भी हो सकती है। पहले हम ये दो सीखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे। अब यहां देखिएगा, तो यहां से ये सीरीज जो होगी वो डॉटेड अप टू इनफाइनाइट होती हैं बच्चों। तो इन दोनों सीरीज के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो ये है कि 4a प्लस 1 अंडर द रूट, और अगर प्लस है यहां पर तो प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और अगर माइनस का कंसर्न है बेटा तो 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब ये है क्या वो मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो यहां से हम लोगों को फॉलो करने हैं। पहली टाइप वो एक्स जिसमें कॉन्जुकेटिव फैक्टर बनते हों, दोबारा बोल रहा हूं, कर्मागत गुणनखंड अगर बनते हों, जैसे मैं बात करूं अगर 12 प्लस 12 प्लस 12 अंडर द रूट, मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट के द्वारा भी सॉल्व कर सकता हूं। चलो मैं फॉर्मेट के द्वारा करके दिखाता हूं। 4 इंटू में 12 प्लस 1 अंडर द रूट प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नाउ चेक करो, 48 प्लस 1 इज व्हाट 49, 49 का रूट होता है 7, 7 प्लस 1 इज व्हाट 8, एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 4। बट हम इस क्वेश्चन को सीधा भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 12 के कॉन्जुकेटिव 2 इंटू 6 या 12 इंटू 1 नहीं, 3 इंटू 4, हमने इसके कॉन्जुकेटिव फैक्टर बनाए 3 इंटू 4। और एक ट्रिक होती है, अगर सीरीज में प्लस चलता है तो हायर वैल्यू आंसर होगी। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 20 माइनस 20 माइनस 20 एट शोन अप टू इनफाइनाइट है बेटा, तो हम इसको भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखो वैल्यू पुट करो, माइंड में कैलकुलेट करना, ए के प्लेस पर अगर हम 20 पुट करते हैं तो 20 इंटू 4 इज व्हाट 80, 80 प्लस 1 इज व्हाट 81, एंड 81 का रूट होता है 9, 9 माइनस 1 होता है 8, और 8 डिवाइड बाई 2 होता है 4, ठीक है। बट हम इसको अगर इसके कॉन्जुकेटिव फैक्टर बनते हैं तो क्यों ना बना कर देखें, कॉन्जुकेटिव फैक्टर बनते हैं बेटे 4 इंटू 5, तो माइनस होगा तो कॉन्जुकेटिव फैक्टर की छोटी वैल्यू काउंट होगी, और प्लस होगा तो कॉन्जुकेटिव फैक्टर की बड़ी वैल्यू को हम काउंट कर लेंगे। ये तो हुआ सिंपल। इस फॉर्मूले का बेसिकली यूज उन क्वेश्चंस के लिए है जिन वैल्यूज के कॉन्जुकेटिव फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जैसे कि 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी ऑप्शंस पे 1 होता है और बच्चा गलती से 1 लगा कर आ जाता है। ऐसे ही 1 माइनस 1 माइनस 1 अंडर द रूट एंड अप टू इनफाइनाइट ही है। जैसे एक और आ जाता है, कहता है बच्चों 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड एज शोन अप टू इनफाइनाइट है। अब इनके आंसर्स को आप कॉन्जुकेटिव फैक्टर नहीं बनते तो फॉर्मेट लगा के करेंगे, लगा देते हैं। प्लस है तो यहां पुट होगा 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अंडर द रूट प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेटा 5
माइनस वन डिवाइड बाय टू. बेटा 10 वैल्यू पुट करेंगे, 41 प्लस वन डिवाइड बाय टू. बहुत सारे बच्चों को ये सारे सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मैं नो डाउट बिल्कुल आते होंगे, बट मैं हर चीज़ सिखाना चाहता हूँ बेटा, इसलिए एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ. ये तो हुआ वो कंसर्न जब ये सीरीज इस तरह से चलती है. अब हम बात करते हैं कि एक फॉर्मेट और आपको याद रखना है. अगर सीक्वेंस आ जाए एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस, अगर ये है, ये बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि सर प्लस माइनस की सीरीज आ जाएगी तो हम क्या करेंगे. जब हमारे पास प्लस माइनस की सीरीज आती है तब हम क्या करते हैं, ये दिखाई, शायद नीचे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या बता, दिखाई ना दे रहा हूँ बच्चों. मान लीजिए यही लिखता हूँ मैं, x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स अप टू, नाउ अब रूट लगाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप लोगों को लर्न करना है, बहुत इजी है. 4a माइनस 3, यहाँ मैटर करेगा ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का वन होगा और डिवाइड बाय टू होगा, ये तय है. ऐसे ही बच्चों अगर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस, और शुरुआत अगर यहाँ नेगेटिव से होती है तब 4a माइनस 3 अंडर द रूट माइनस वन डिवाइड बाय टू. बस ये कंसेप्ट लगाना है आप लोगों को, चाहे वैल्यूज कुछ भी हो x के प्लेस पर, बस आप वैल्यू पुट कर कर आंसर दे सकते हैं, इजी है. प्लस माइनस के क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा रैशनल नंबर में बनते हैं. चलिए एक और सीरीज देखते हैं. अगर मल्टीपल में आ जाए लाइक a अंडर द रूट और एथ शोन, फाइनली आंसर इसका a रहता है. रीजन दिखाता हूँ, a अप्रोक्सीमेट वैल्यूज नहीं ले सकते इसमें हम लोग, डॉटेड हैं, हम इसको एज्यूम मानते हैं x. इनफाइनाइट सीरीज है, अगर मैं एक a को हटा भी दूंगा तब भी ये सीरीज x के इक्वल रहेगी, तो ये इजीली लिखा जा सकता है बच्चों इस तरह से. नाउ स्केयरिंग बोथ द साइड हम करते हैं, ये कैंसिल होगा और x की वैल्यू a आएगी. आप फैक्टर भी सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू a आएगी, 0 पॉसिबल है नहीं इसलिए वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी. अब देखते हैं नेक्स्ट. मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए, अंडर द रूट एथ शोन, तो बेटा आंसर 7 ही आ जाएगा, 11 11 11 अप टू इनफाइनाइट है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा बच्चों, 11 रहेगा. मल्टीपल की सीरीज बड़ी सिंपल सी होती है, डायरेक्ट आंसर चला जाता है वैल्यू के इक्वल, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो सीरीज है वो अप टू इनफाइनाइट तक होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब इनफाइनाइट की बात ना होकर सीधी सीधी वो बात करेगा, लाइक 7 7 अंडर द रूट, मैं बात करता हूँ 5 5 5 अंडर द रूट, 11 11 11 11 अंडर द, एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग गड़बड़ ना करो, आराम से क्वेश्चंस को कर सको. बेटा मैं कहता हूँ 3 3 3 और ये वैल्यू बोलता है कि अप टू 10 टाइम्स. एक और क्वेश्चन देता है, कहता है 7 7 7 अंडर द रूट और अप टू n टाइम्स.
इसने एक्चुअली लास्ट टर्म डिफाइन कर दी, तो इनफाइनाइट नहीं दिया, तो ये चीजें जो होंगी ये पावर में ओपन होगा। एक मैं आपको छोटा सा इसका सॉल्यूशन यहां दिखा देता हूं। जब मैं बड़े वाला रूट ओपन करता हूं तो स्क्वायर रूट हटकर पावर हाफ आएगी बेटा, सेवन बच्चों, ये वाली पावर हटेगी देन अगेन हाफ आएगा, और स्टेप देखना कितने बनते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड होगी, वन में हाफ आप ऐड करेंगे तो थ्री बाई टू आएगा हाफ, और जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी थ्री बाई फोर। अगर दो स्क्वायर रूट हैं, दो रूट हैं, और दो रूट में एक दो तीन चार स्टेप पे आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स बन जाएंगे। अब डायरेक्ट कैसे करना है वो डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो इंटरनल वैल्यू है मेरे बच्चों सेवन, ये आप यू का यू लिखिए, कितने बार रूट है, दो बार, तो बस दो की पावर दो होता है चार, और उससे एक कम आप ऊपर लिख दीजिएगा, फाइव लिखिएगा बच्चों। इधर रूट दो पे ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट के पावर वन बाई टू बनती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितनी बार रूट है, तीन बार रूट है, दो की पावर जो तीन होती है वो कितना होती है, आठ होती है, दो की पावर तीन जो होती है वो कितनी होती है, आठ होती है, तो यहां आठ आएगा और एक कम आएगा सेवन। ऐसे ही जब आप 11 की बात करते हो तो इसमें देखिएगा रूट कितने हैं, चार रूट हैं, तो यहां 11, दो की पावर चार 16 और ऊपर एक कम होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करता हूं, हमने बात करी है अप टू 10 टाइम्स तक, मतलब ये सीरीज चलेगी 10 बार तक, दो की पावर 10 होती है 1024, तो ये आएगा 3 रेज टू पावर 1023 डिवाइड बाय 1024। यहां बात हुई है n टाइम्स तक, अब n टाइम्स तक को हम कैसे लिखेंगे, 7 रेज टू पावर 2n माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर n। तो ये एक सीरीज थी आप लोगों के लिए जिसमें हमने रूट से कनेक्टेड चीजों को सॉल्व किया, हमने कई सारे क्वेश्चंस करे, हमने सीरीज को देखा, x प्लस x वाली सीरीज देखी, x माइनस 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 वाली सीरीज देखी, प्लस माइनस वाली सीरीज देखी, माइनस प्लस वाली सीरीज देखी, मल्टीपल वाली सीरीज देखी, वो सारी सीरीज अप टू इनफाइनाइट थी। ये सीरीज लास्ट डिजिट तक कंप्लीट थी तो इनका एंड टर्म्स पता था हमें, इनफाइनाइट सीरीज नहीं थी, तो ऐसी सीरीज को शर्ट्स में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर कर आंसर दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बच्चों। बस गुजारिश है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इन सारी चीज़ों से ना हम लोगों को एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सो दैट हम आप लोगों के लिए 24x7 प्रेजेंट रहे। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू गाइस।